तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस वक्त कुतुब मीनार के अंदर और ये इनके अंदर का साइन है। दोस्तों ये जो मस्जिद देख रहे हैं ये मुग़ल मस्जिद है जो कुतुब मीनार के गेट पर ही मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि ये मस्जिद को मुग़लों ने बनवाई थी। और दोस्तों ये देखिए कुतुब मीनार जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस वक्त कुतुब मीनार के अंदर वाले पार्क में और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कुतुब मीनार। यहाँ पे देश विदेश से बहुत से लोग आते हैं भ्रमण करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी विदेशी सैलानी भी यहाँ आए हुए हैं। हम अभी पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में ये वो जगह है जहाँ पे खिलजी का मदरसा हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये सारा जगह यहाँ पे वो मदरसे थे और फाइनली अब हम जहाँ जाने वाले हैं वो जगह है खिलजी स्टॉम मतलब खिलजी की कब्र। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये सारी इमारतें ये एक खिलजी का मदरसा हुआ करते थे। यहाँ पे लोग कुरान हिफ्ज़ किया करते थे मदरसा में। फाइनली दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं खिलजी स्टॉम। आइए अब आपको दिखाते हैं खिलजी का टॉम। अलाउद्दीन खिलजी आपने पद्मावती फिल्म में देखा होगा। आइए दिखाते हैं आपको। बोल ये है वो टॉम अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावती फिल्म में हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने सुना था। ये उसकी टॉम है। अलाउद्दीन खिलजी की एक अपनी मीनार बनने वाली थी। हम आपको वो मीनार भी दिखाएंगे आप पहले टॉम देखिए। फाइनली दोस्तों अब हम आ चुके हैं कुतुब मीनार के अंदर और मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये जो देख रहे दोस्तों ये जो है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। अलाउद्दीन खिलजी जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा इतिहास में उन्हीं की कब्र है और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कुतुब मीनार अभी जो कुतुब मीनार है उससे भी लंबी कुतुब मीनार बनाना चाह रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सका। ये मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है वो लोग जब से बना है तब से लेकर आज तक से प्योर मैं चाहूँगा चाइनीज भाषा में कुछ आकृतियाँ छुपी। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस लोहे के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो लोहा है देख रहे हैं जब से ये लोहा यहाँ पे खड़ा है तब से लेकर अब तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसकी ये खासियत है कई सदियाँ गुजर गई लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जंग नहीं लगा है। और इसमें देख सकते हैं कि कुछ जापानीज में आकृतियाँ बनी हुई है शायद दिख नहीं रही होंगी आप लोगों को। हाँ ये देखिए ये जो देख रहे हैं सर इसमें आप चाइनीज में आकृतियाँ बनी हुई है इससे इस बात का प्रमाण चलता है इस बात का प्रमाण है कि ज़रूर जापान चाइना या फिर कहीं और से कोरियन कंट्री से लाया गया है। वैसे इसमें आज तक जंग नहीं रहा कम मीनार विद एक्सटेंड हाइट ऑफ 24.5। मैंने आपको पहले बताया था कि अभी मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी मीनार दिखाने वाला हूँ जो कि कुतुब मीनार से डबल होने वाला था। ये 1296 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और कुतुब मीनार का डबल बनने वाला था लेकिन इसके निर्माणकर्ताओं ने इसका निर्माण कार्य अधूरा रह गया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई इसलिए ये अधूरा रहेगा वरना ये आज के कुतुब मीनार से 2 गुना हाइट होती इसकी। तो फ्रेंड्स ये आप पीछे जो देख सकते हैं ये जो मीनार है कि आज के कुतुब मीनार से 2 गुना होता तब जब अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार को पूरा बना लेता। ये जो मीनार देख रहे हैं दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी बनवा रहा था अपने शासनकाल के दौरान लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई जिस वजह से ये जो मीनार है वो अधूरा ही रह गया। तब से ये मीनार अधूरा ही रह गया और इतना ही बन पाया। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मीनार बन जाता तो आज के कुतुब मीनार से ये मीनार जो है डबल होता।
लिहाजा आप देख सकते हैं कि इसे घेर दिया गया है और यहाँ आज भी हजारों टूरिस्ट आते हैं और इसका दर्शन करते हैं, भ्रमण करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पीछे पार्क भी है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में ये बंद करना पड़ेगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।